ज़्यादा इतना ज़्यादा, मतलब हर कोई छोटा मोटा बड़ा ये वो सभी बोल लियो यार, जाने दिया। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखी अभी रिसेंटली, हेलो जी की। अब जब तक ये कर रहे थे ना, जब तक ठीक लग रहा था, लेकिन अब इस तरफ आओगे तो यार, क्योंकि आप बड़े क्रिएटर हो तो आपको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, तो आपसे जो है वो बात करने में मजा आएगा। तो हेलो जी, यूट्यूब चैनल पे आपसे मिलता हूँ जी, मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। बाकी सीनो जली ना, तेरी भी जली ना। अब हर किसी के पास थोड़ी आऊंगा भाई, समझ ही नहीं रहे, एक ही इंसान हूँ। सेनू अब सेनू हाँ सेन। अबे भाई मेरी बात तो सुनो, मुझसे भी तो पूछो कि मैं आना चाह रहा हूँ आपके घर, नहीं आना चाह रहा। आप बिला वजह इनविटेशन दे रहे हो यार। सोशल मीडिया पर इन दिनों हुसैन तरीन और रबीका खान को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वजह उनकी एक वीडियो बनी है। दुल्हा मियां ना, ओ हो, गजब ढा रहे हैं। ओ, मेरा हीरो। यूट्यूबर डकी भाई और नदीम नानी वाला ने मिलकर हुसैन तरीन और रबीका खान को रोस्ट कर डाला, जिसके बाद हुसैन तरीन को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। हुआ कुछ यूं था कि रजब भट्ट की शादी के दौरान जब शॉपिंग के लिए डकी भाई और नदीम नानी वाला जाते हैं, तो एक लेडीज कुर्ता पहनकर नदीम नानी वाला और डकी भाई हुसैन तरीन और रबीका को रोस्ट कर डालते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हुसैन तरीन को शदीद किस्म का गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि बड़े क्रिएटर्स हैं तो किसी का भी जो चाहे मजाक उड़ा देंगे। इंसान को देखना चाहिए कि वो किससे क्या बात कर रहा है, और जब सामने वाले को आपके घर आने का कोई शौक ही नहीं है तो आप क्यों बार बार उसको बुला रहे हैं। बहरहाल इस तमाम चीज में अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपने एक ट्रेंड बना दिया है और ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा वायरल होने वाला है, जिसके जवाब में नदीम नानी वाला ने भी दोबारा से हुसैन तरीन को रिप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, कैसा देख, पूरा दिखा देना। जैकेट पहनी, जैकेट पहन के आने की। यार दो लड़के हमें तंग कर रहे हैं पर, तो उनके लिए हमने आज ऐसे जादू जो है ना, मैंने ये जैकेट पहनी। क्या तंग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं। अच्छा, और ये हैं कौन वैसे, चल बता दो। एक वो सानू छपड़ी। अच्छा, इन सरील का सबसे बड़ा छपड़ी। अच्छा, और रबीका इन सरील की सबसे बड़ी छपड़ी। ठीक है, दूसरी कौन? रबीका। ओ ओ ओ हो, इनका लगे होने का होने लगा रिमांड। अच्छा, इन्होंने कर लिया मुझे रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, अब ये रहेंगे या मैं? अब होने लिए, अब हो के जाएंगे। अब कसम खुदा की साहब बता रहा हूँ, आपको पता जो मेरे टारगेट पे आ जाता है वो नहीं दिख पाता। नदीम नानी वाला ने हुसैन तरीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि अब नदीम नानी वाला के आगे तुम नहीं टिकने वाले। रबीका और हुसैन तरीन को खुला चैलेंज दिया है और साथ में अपने चाहने वालों को, आवाम को भी उन्होंने कहा है कि जो सबसे जबरदस्त इन छापड़ियों के खिलाफ रील्स बनाएगा उन्हें 1 लाख रुपए और iPhone 16 देने का मैं ऐलान करता हूँ। तो यह फिल्टर लगा के ओपन चैलेंज रील के ऊपर, जो इंस्टा के टॉप के छपड़ी हसैनू और टॉप छपड़ेंगी सही लेगा और उसको अगर 5 मिलियन व्यूज आए इंस्टा रील के ऊपर, मुझे सिर्फ टैग कर दे, 1 लाख रुपए कैश ट्रांसफर करूंगा। अगर उसको 10 मिलियन व्यूज आए उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स खुद देने आऊंगा। तो चैलेंज है, ओपन चैलेंज टू इंस्टा रील के ऊपर, जो इस छपड़ी की सही लेगा। और वैसे भी वीडियो आने वाली है, इसकी ऐसी लेनी है। अब ये छपड़ी जो है ना, इसको हमने छपड़ीपन की दुनिया का टॉप टॉप सैनू बनाना, इसको हमने इंशाल्लाह। तो रेडी हो जाए, इसको कमेंट करें, छपड़ी छपड़ी जिधर आपको नजर आए पाकिस्तान में, इंस्टा छपड़ी नजर, ये जिधर भी नजर आए ले लो यार, ओपन चैलेंज है। दूसरी तरफ इस लड़ाई में नदीम नानी वाला के साथ डकी भाई भी भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। डकी भाई और नदीम नानी वाला ने ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद हुसैन तरीन के जवाब के बाद दोबारा से इन दोनों को रोस्ट कर डाला है, और क्या रोस्ट किया है हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। लगी है 4 कोल ड्रेस पेंट और कोट, और साथ है हमारे पास ब्लैक टी शर्ट। 1 3 2 1 ओए मेरा हीरो, मामा देखे कौन आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हुसैन आया। दूसरी तरफ इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मां सफदर ने भी हुसैन तरीन के साथ नई वीडियो बना डाली है, और हुसैन तरीन ने डकी और नदीम नानी वालों को खुला चैलेंज दिया है कि अगर आपको इतना ही शौक है उनका मजाक उड़ाने का, उनको रील्स में लेने का और उनको रोस्ट करने का, तो हुसैन तरीन के साथ वीडियो बनाएं ताकि और मजीद वायरल हो। माँ पापा देखे कौन आए हैं, हुसैन आए हैं।
दूसरी तरफ हुसैन तरीन को रोस्ट करने के बाद उनकी रील्स वायरल होने के बाद हुसैन तरीन ने भी सोशल मीडिया पर अपना दोबारा से काम शुरू कर दिया है और नदीम नानीवाला और डक्की भाई को खुला चैलेंज दिया है कि उनके साथ रील बनाए। हुसैन तरीन उनको भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं, उनको भरपूर कार्रवाई कर सकते हैं, मगर ना तो वो अपने बड़े क्रिएटर से बदतमीजी करते हैं और ना ही उनकी आदत है कि वो किसी के साथ भी गालम गलोच करें, बदतमीजी करें। हुसैन तरीन ने डक्की भाई और नदीम नानीवाला को क्या जवाब दिया है हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है। सारी चीजें एक तरफ, मार्क योर कैलेंडर्स, बाउंड्रीज मैं कभी भी क्रॉस नहीं करता। अगर क्रॉस करनी होती तो आपको पता है कि जबान मेरे पास भी है, मैं भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने नहीं की तो उसका मतलब इस तमाम कंट्रोवर्सी, लड़ाई, रोस्टिंग के बाद हुसैन तरीन ने भी भरपूर जवाब दिया है कि एक बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाली है जो कि डक्की भाई और नदीम नानीवाला के लिए होगी। अब उस वीडियो में क्या कहा जाएगा और क्या होगा ये तो बहरहाल हुसैन तरीन ही बता सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बाउंड्रीज कभी भी क्रॉस नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि किसकी कितनी इज्जत करनी है और कहां तक किसको जाना चाहिए। तहम इस तमाम मामले पर रबीका खान अभी तक खामोश है और उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लविंग द ट्रेंड, यानी कि ये तमाम चीजें वो बहुत पसंद कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हुसैन तरीन इन तमाम चीजों को देखकर बहुत गुस्सा भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि यह सिलसिला कहां जाकर रुकता है और नदीम नानीवाला ने जो पैसों का और आईफोन का एक ऐलान किया है उसके बाद कितना ज्यादा हुसैन तरीन को मजीद रोस्ट किया जाता है। आपको बताते हैं कि यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने ऑलरेडी हुसैन तरीन को बहुत ज्यादा रोस्ट करना शुरू कर दिया है। हम आपके साथ इसमें ऐड करते हुए एक और रील भी शेयर करते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल का कैसे पता लगाया जा सकता है? यार जब कोई लो टेस्टोस्टेरोन वजूद आपके सामने आता है तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। उनकी हरकतें और अंदाज थोड़े से वखरे और निराले पाए जाते हैं। कभी कभी आप उनके चलने फिरने या बात करने के अंदाज से भी उनको आसानी से पहचान सकते हैं। मतलब जनरली बता रहा हूँ, ये लोग खचे तो बड़ी बड़ी मार लेते हैं लेकिन इनके जिसामत की अंदरूनी ताकत 80 साल के बुड्ढे से भी ज्यादा फारिग होती है, तो इतना मुश्किल नहीं है टेस्टोस्टेरोन लेवल का पता लगा।